नमस्कार दोस्तों, नीलम गार्डन टिप्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ मैं आज ग्राफ्टेड प्लांट लाई हूँ जो गुड़हल का है, और यहाँ मैं कई ग्राफ्टेड दिखाऊंगी दोस्तों, और इसमें बताऊंगी भी कि आपको कैसे आसानी से इसे बना सकते हैं, और इसे में कौन सा खाद डाल सकते हैं जो आपका पौधा बिल्कुल हेल्दी रहे। जैसे मेरे है दोस्तों, बिल्कुल हेल्दी है, स्वस्थ है, और यहाँ देखिए कि कितना आराम से ये फूल दे रहा है, और बिल्कुल इसमें लीव्स फूल दोनों ही स्वस्थ है। तो दोस्तों, कोई कीड़ा मकोड़ा भी लग जाए तो उसका भी मैं बताऊंगी आज कि इसमें कैसे आप करेंगे ताकि कीड़ा मकोड़ा नहीं लगे, और आपका ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बढ़े, फूल ज़्यादा कैसे आए, हेल्दी ये कैसे रहे, कौन सा पॉट चूज करें और कब इसको ग्राफ्टिंग करें। तो दोस्तों, फूल तो सभी कोई लगा लेते हैं, लेकिन इसमें कब क्या करनी है उसके बारे में जानकारी पूरी नहीं रहने के कारण पौधा मर जाता है। तो दोस्तों, यहाँ जैसे देख रहे हैं कि मेरा यहाँ दो कलर में आया हुआ है, लेकिन ये तीन कलर का पौधा है, एक कलर उजला अभी नहीं आया है दोस्तों, तो दो कलर यहाँ लगा हुआ है। तो दोस्तों, ये मैं 12 इंच का पॉट में लगाई हूँ, लेकिन आप जब भी पौधा लगाए तो 10 से कम में नहीं लगाएं, क्योंकि नहीं तो इसमें बराबर इसमें आपको गमला को चेंज करना पड़ेगा। तो लगा भी सकते हैं, आपको जो रूट बोरिंग नहीं होना चाहिए, बस इसी दिक्कत होता है कि इसे बार बार इसमें रूट ज़्यादा डेवलप होता है जब हेल्दी प्लांट रहता है, तो इसके लिए आपको गमला को चेंज करना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पर नया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, मैं बहुत आप लोग के चलते मेहनत करती हूँ ताकि आपका भी गार्डन फूलों से भरा रहे, और बहुत सा इसमें आपका लीव्स, फूल, फल, सब्जी सब कुछ छत पर ही आप आराम से कर सकते हैं। तो मैं छत पर ही बहुत कुछ उगाती हूँ दोस्तों, और आप लोग के साथ शेयर भी करती हूँ, सब्जी हो, फल हो, फूल हो, या आपका बहुत सारा ऐसा चीज़ है। जैसे आप लोग को मैं सिखाती हूँ कि छोटा सा छोटा पॉट में भी आप इस तरह से लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ जैसे देखिए कि 12 इंच का पॉट में लगाई हूँ, और इस पौधा को मिट्टी सबसे पहले आपको वेल ड्राइन होना चाहिए। तो मैं एक यहाँ से ग्राफ्टिंग की हूँ जो आपका पीला कलर आया, और पिंक कलर का ऊपर देखिए रहे दोस्तों, और एक बीच में है जो आपका उजला कलर है। तो दोस्तों, ग्राफ्टिंग करना बिल्कुल आसान है, आप अगर नहीं जानते तो आप वीडियो देखकर भी बना सकते हैं, मैं भी वीडियो देखकर ही सीखी हूँ दोस्तों। मैं ट्राई करने में कुछ भी नहीं जाता है, आप ट्राई तो करके देखें। अगर आपका कलर बनाना है तो आप कहीं से भी कटिंग काट के लाएं और कोई भी कलर हो उसमें ऐड कर दें। तो ऐड कैसे होता है दोस्तों, उसके बारे में मैं वीडियो फुल डिटेल में बनाई हूँ, आप देख सकते हैं कि कैसे ग्राफ्टिंग होती है। और अभी का मौसम तो और भी बहुत सुहावना है कि अभी आप ग्राफ्टिंग बहुत ज़्यादा जल्दी सक्सेस होगा। तो दोस्तों, जैसे देख रहे हैं कि मेरा रेलिंग पर सभी फूल कितना अच्छा से स्वस्थ है, हेल्दी है, तो आप भी ऐसा बना सकते हैं, आपका भी गार्डन ऐसा हो सकता है। आप बिल्कुल इसे कुछ दिक्कत नहीं होती है, आप ट्राई तो करें। जैसे देखिए कि यहाँ भी एक है जो दो कलर का है, तो यहाँ देखिए कि दो कलर इसमें आया हुआ है और तीसरा यहाँ लगा हुआ है। तो मैं ग्राफ्टिंग बहुत आराम से करती हूँ और बहुत अच्छा लगता है जब एक पेड़ में आपको इतना कलर, जितना कलर आप डालना चाहे आप डाल सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से देखिए कितना ये भी हेल्दी है, आप बिल्कुल स्वस्थ है। और इसको मैं 16 इंच का पॉट में लगाई हूँ क्योंकि बड़ा प्लांट है। बड़ा प्लांट रहने से क्या होता है आपको कि ज़्यादा ऊपर जाता है, तो जब 4 कलर 5 कलर खिलेगा तो और भी सुंदर लगता है। तो मैं इसे 16 इंच का पॉट में लगाई हूँ, और यहाँ जैसे देखिए कि 3 कलर तो आया हुआ है, लेकिन चौथा इसमें भी अभी नहीं आया हुआ है। तो ये सब बिल्कुल इसका जो भी केयरिंग होता है बिल्कुल सेम होता है, कोई इसमें अलग से नहीं होता है। तो यहाँ कली के देखिए कि कितना ज़्यादा इसमें उजला कली लिया हुआ है, और इसको बिल्कुल हेल्दी है, कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं है। तो अगर आपका पौधा ऐसा नहीं है तो सबसे पहले क्या करनी है दोस्तों, कि आपको क्या करना है कि अगर फूल कलियाँ नहीं गिरे तो ऐसा क्यों होता है। तो आपको ऐसा क्या करना है कि जो भी मिट्टी बनाए सबसे पहले वेल ड्राइन सॉइल बनाए, ताकि एक भी पानी उसमें खड़ा नहीं हो। अगर पानी खड़ा हो जाएगा उसमें तो बहुत दिक्कत होता है, ये विकास ही नहीं कर पाता है, गल गल कर सारा पौधा गिरने लगता है। तो इस तरह से आप करें कि इसमें पौधा को सबसे पहले ड्रेनिंग सिस्टम ठीक करें, उसके बाद उस पर ढीकरी देकर आपको
पौधा को मिट्टी को लगाना है। तो मिट्टी कैसे बनाएंगे, तो आप 50% गार्डन सॉइल लीजिए, 30% आप गोबर की खाद या बर्मी कंपोस्ट, 20% आप रेत लीजिए और इसको थोड़ा सा फंगीसाइड डाल दे या नीम खली हो कोई भी इसमें डालकर, और दो चार दाना आप DAP के डाल दें, और डालने के बाद पौधा को आप लगा दें। ज़्यादा DAP नहीं डालना है, अगर ज़्यादा DAP डालेंगे तो पौधा जल जाता है, लेकिन अगर पॉट आपका 10 इंच के हैं तो 4-5 दाना आप डाल सकते हैं। अगर पौधा इस तरह से लगाएंगे और जब आपका पौधा थोड़ा सा मेच्योर हो जाएगा, देखिए कि मैं मेच्योर हो गया है, तो इसमें क्या करना है आपको, उसको हल्का हल्का प्रूनिंग करें। प्रूनिंग करने के बाद आपको क्या होगा कि उससे ब्रांच ज़्यादा भागेगी, और जितना ब्रांच आपको भागेगी उतना ही आपको ज़्यादा इसमें फूल आएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपको करना है कि इसको थोड़ा सा इसमें मेच्योर प्लांट हो, तो इसको पिंचिंग प्रूनिंग करना जरूरी होता है। पिंचिंग क्या होता है कि थोड़ा सा ही आप ये मुंह पर थोड़ा सा कोई तोड़ दें तो वहाँ से आपको 3-4 ब्रांच निकलती है। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो पौधा आपको आगे चल के विकास डेवलप करते रहेगा। और फिर इसमें क्या करना है कि एक एक महीना पर आपको कोई खाद देना होता है। बिल्कुल इसमें आप धूप में पौधा रख सकते हैं, अगर आप जब लगा रहे हैं तो उस समय आपको 24 घंटा के लिए छाया में रखना पड़ेगा, लेकिन जब आपको पहले से पौधा है और पिंच कर रहे हैं तो इसको धूप में रखें, कोई दिक्कत इसमें नहीं होती है। इसके बाद आपको क्या करना है कि इसमें थोड़ा थोड़ा हमेशा गुड़ाई करते रहें ताकि एयर इसमें जाए और इसको आराम से ग्रोथ विकास के लिए हवा जाते रहे। पत्ती को जहाँ तहाँ घना ज़्यादा नहीं होने दे, नहीं तो अगर ब्रांच आपको भागेगी तो सिकुड़न हो जाएगी, क्योंकि सिकुड़न होता है जब इसको जगह नहीं मिलेगा तो आपका सिकुड़न हो जाएगा। इसलिए पत्ती को जहाँ तहाँ इतना भी घना नहीं होना चाहिए ताकि उसके जगह नहीं मिले कि हम जाएं किधर। तो दोस्तों घर में ही देखिए, अगर एक रूम है 10 आदमी रह रहा है तो उसमें कितना दिक्कत होता है, लेकिन 4-5 आदमी एडजस्ट कर जाएगा, लेकिन 10 आदमी में दिक्कत ज़्यादा होता है। तो इसलिए इस लोग के भी आपका स्पेस देना पड़ता है। तो जैसे देखिए कि हाँ मैं इसमें कुछ खाद लाई हूँ जो पौधा को बहुत ज़्यादा हेल्दी रखेगा और फूल आने से कोई भी नहीं रोकेगा। तो इसको जैसे देखिए कि ये विनेगर है, एप्पल साइड विनेगर, जो मैं पौधा के लिए ही मंगाती हूँ और सिर्फ पौधा में इसे यूज करती हूँ। अगर चाहें आप तो दूसरा भी ले सकते हैं, आप वाइट विनेगर भी ले सकते हैं या आप सिरका भी डाल सकते हैं, चाहे कोई चीज़ भी खट्टा चीज़ जैसे नींबू का भी बना के छिलका को पानी में डिप करें उसको भी आप डाल सकते हैं। तो आपको सबसे पहले सॉइल एसिडिक अगर बन जाएगा तो आपको पौधा में कोई भी थोड़ा सा भी न्यूट्रिशन डालेंगे तो आपका पौधा हेल्दी रहेगा, जल्दी विकास करेगा। तो यहाँ जैसे देखिए कि मैं यहाँ जो भी खाद डाल रही हूँ तो एप्पल साइडर विनेगर इसमें डालकर, उसके बाद आपको जैसे देखिए कि यहाँ मैं सरसों खली ली हूँ और इसको 24 घंटा के लिए छोड़ दी हूँ। छोड़ने के बाद जब इस तरह से आपका हो जाए तो आपको इतना ही पानी मिलानी है, आप पानी मिलाकर आपको पौधा में डाल देनी है। बस एक टुकड़ा, अगर 16 इंच का पॉट है तो एक टुकड़ा एकदम हल्का छोटा सा बस डालें और ज़्यादा नहीं, और मिट्टी को गुड़ाई कर और डायरेक्ट आप सूखा हुआ मिट्टी में नहीं डालें, पहले आप मिट्टी को नम हल्का सा कर लें तभी इसको डालना है। तो आपको जैसे इसमें मैं सरसों खली डालकर इसमें DAP डाल दी हूँ, तो ये दोनों आपका लिक्विड आराम से पौधा में डालकर छोड़ दे और एक महीना पे इसे दोबारा यूज करें। फिर उसको 15 दिन पर क्या देनी है, तो 15 दिन पर आपको इसको 2-2 चम्मच आप सूखी हुई चाय की पत्ती दें, क्योंकि सूखी हुई चाय की पत्ती आपका सॉइल भी एस्थेटिक बनाएगा और इसमें चमकीला पौधा भी बनाता है और फूल का साइज भी बड़ा करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा इसमें नहीं तो 2 चम्मच आप 15 दिन पर नहीं तो 1 महीना पर भी अगर डालते हैं तो बहुत ज़्यादा इससे फायदा होगा। एक तो सॉइल भी एसिडिक हो जाएगा, दूसरा इसका भी काम करेगा क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और पोटास दोनों होता है। तो दोस्तों अगर आपको इस तरह से पौधा में करते हैं तो आपको तो इतना फूल आएगा कि फूल आने से कोई भी नहीं रोक सकता है, और इस तरह से करेंगे तो और भी ज़्यादा इसमें ग्रोथ विकास होगा और देखने में एक भी पेड़ में कई कलर देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो मेरा सभी प्लांट हेल्दी रहता है, स्वस्थ रहता है,
ताकि मैं बाहर का खाद उतना नहीं डालती हूँ, लेकिन ऑर्गेनिक खाद ही आपका काफ़ी है। अगर आप घर का ही खाद इसमें डालते हैं, जैसे आप सब्जी का हो गया, चाहे कोई चीज़ का हो गया, आपको नींबू हुआ, प्याज हुआ, कोई चीज़ का ऑर्गेनिक बनाकर डालते हैं, तो इसका भी मैं वीडियो बनाई हूँ कि ओनियन पील कैसे बनता है। अगर पौधा में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस सब का कमी होता है तो पौधा जल्दी विकास नहीं कर पाता है। तो इसलिए इस तरह से करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा इसमें फूलों से गमला भरेगा और साथ साथ आपका बगीचा इतना सुंदर हो जाएगा ताकि देखने वाला बोलेगा वाह क्या बगीचा है। इस तरह से मैं भी चाहती हूँ कि आपका भी हो। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करें।